दुर्ग जिला के पाटन विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल कल ग्राम देउरझाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए थे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों को लेकर कई बार कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। वहीं विजय बघेल ने भूपेश बघेल को ठग भी कहा। विजय बघेल ने कहा, ग्राम देउरझाल में लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिला है। आप बता दें, विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं और रिश्ते में उनके भतीजे लगते हैं। वर्तमान में बीजेपी से सांसद हैं और इस बार पार्टी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन सीट से मैदान पर उतारा है। ऐसे में दोनों चाचा भतीजा के बीच जुबानी जंग चल रही है। ऐसे माना जा रहा है, इस बार का विधानसभा चुनाव कका और भतीजा के बीच हो रहा है। विजय बघेल अभी दुर्ग लोकसभा सीट सांसद हैं। इससे पहले भी चाचा और भतीजा के बीच मुकाबले हो चुके हैं। कभी चाचा तो कभी भतीजे को जीत मिली, लेकिन इस बार भूपेश बघेल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और विजय बघेल सांसद हैं। तो ऐसे में चुनाव परिणाम से पहले ही पाटन सीट बेहद दिलचस्प लग रही है। हेलो नमस्कार, मैं अभिषेक साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। आज हम हैं ग्राम देउरझाल में, जो पाटन विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी विजय बघेल जी, आज उनसे बात करते हैं। तो भैया पहले तो नमस्कार। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आपका किस क्या चुनौती है आपके लिए, बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है अभी? देखिए, चुनाव तो चुनौती होता ही है और बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ प्रदेश का, तो निश्चित रूप से एक बड़ा कंपटीशन है। लेकिन जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिल रहा है, चाहे कितनी भी कड़ा संघर्ष हो, वो सरल हो जाता है। जनता साथ में हो तो हर पल हर क्षण एक ताकत और हिम्मत मिलता है, और आप देख रहे हैं जनता जनार्दन का साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर है, क्योंकि इनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। जिस गांव में हम बैठे हैं देउरझाल में, आप यहां के बुजुर्गों को पूछिए, युवाओं को पूछिए, कि वर्तमान सरकार के और वर्तमान मुख्यमंत्री के जो खास आदमी हैं, जो पतोरा के पूर्व सरपंच हुआ करते थे, उसके कार्यकाल में यहाँ काम बहुत नगण्य रहा। ये मंच देख रहे हैं, ये मंच गिरने वाला है, मतलब ये फट गया है। एक तो निर्माण काम घटिया और ऊपर से इसकी रिपेयर नहीं हो पाई, सीढ़ी भी नहीं दिखा थे हमें, रोड दिखेगा आपको, मंच भी सीढ़ी भी नहीं है, सीढ़ी भी नहीं है। मतलब ये स्थिति है कि सुपरविजन भी नहीं कर पाते, और जितने भी खदाने हैं वो इस गांव को प्रभावित करता है, और जो खदान का पैसा रॉयल्टी का आता है, वो सारा का सारा पैसा ये पूरा खा गया। कुछ काम हुए वो पतोरा में हुए, लेकिन यहाँ काम नहीं हुए, इस छोटे से गांव का अनदेखा। और यहाँ अनुसूचित जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, बाबा गुरु घासीदास जी को मानने वाले लोग यहाँ ज़्यादा हैं। मैं लगभग 30 वर्षों से इस गांव में आ रहा हूँ, समस्याओं को सुनते हैं आप निश्चित रूप से। मैं जब 2008 से 13 तक विधायक था, तो यहाँ मेरे समय में बहुत सारे काम हुए, और ये जो सड़क का पहली बार निर्माण हुआ था उसी समय हुआ था। लेकिन ये गांव एक ऐसा गांव है जहां पे आने जाने का भी रास्ता नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के समय इधर से रोड बना है, जिस रोड से आप आते हैं सुविधाजनक रोड है, वो हुआ है। मतलब पगडंडी था, कीचड़ था, यहाँ कीचड़ से आते थे लोग, मतलब खेत से आते थे लोग। ये स्थिति यहाँ के बुजुर्ग जन बताएंगे आपको। उस समय भी मैं आया करता था, मैं मोटरसाइकिल के आता था उस समय। तो ऐसी स्थिति में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं। ये अभी तक राजस्व में नहीं आ सका, ये गांव राजस्व में इस गांव का नाम अंकित नहीं है। क्यों? मतलब ये राजस्व मंत्री भी रहा, ये जो मुख्यमंत्री है वो राजस्व मंत्री रहा, तब भी इस गांव के लोग बार बार उनके पास गए। अभी मुख्यमंत्री हो गए, पूरा राजा हो गए, तब भी ये गाँव राजस्व। लेकिन भैया, 15 साल यहाँ पे भाजपा का शासन था, तो उस बीच में यहाँ कुछ बड़ा उपलब्धि जैसे गांव में कुछ होना था, वो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। उस समय विधायक तो यही थे ना, एक कार्यकाल मैं था, जिस कार्यकाल की बात आपको, अपने अपने क्या बड़े काम यहाँ पे किए, कौन सा बड़ा काम आपने यहाँ पे किया? देखो, आने जाने जो आवागमन का रास्ता है, रास्ता उसी समय बना था, और अभी उसका फिर से एक बार रिपेयर हुआ है। तो रास्ता मूल कारण, जिस गाँव में रास्ता ही नहीं है, और उसके पहले 3 बार वो विधायक रह चुके थे, इस बार ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और मैं जब संसदीय सचिव बना, विधायक बना, तब वो रास्ता पहली बार बना। ये अप्रोच से
अछूता ये गांव और अनुसूचित जाति का गांव, जो आप लगभग 90% घर या अनुसूचित जाति के, तो ये स्थिति यहाँ है। और ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं और सतनामी समाज को अपना वोट बैंक मानते हैं लोग, तो ये स्थिति यहाँ के मुखिया की है, मुख्यमंत्री की है। अच्छा माँ, यदि अगर पब्लिक आपको चुन कर लाती है, जनता आपको चुन कर लाती है यहाँ पे, तो आप क्या इस गांव के लिए क्या बड़े काम करेंगे, क्या वादा करते हैं आप? पहले तो देखिए छत, ये छानी, कितने पात्र लोगों का जो नाम, पात्र लोगों का नाम आ गया था प्रधानमंत्री आवास में, यही अभी 17.5 लाख आवास देने की बात कर रही है, मतलब एक झूठा वादा, एक गुफा छोड़ देना है। अरे 16 लाख आवासहीनों का, जो पात्र लोगों का स्वीकृत होकर माननीय मोदी जी भेज दिए थे, उसको तो आपने वापस कर दिया कि हमारे पास 40% राशि नहीं है जमा करने के लिए। अब कहाँ से पैसा लाएंगे? अभी 90,000 लगभग 82,000 करोड़ का कर्ज हो गया है छत्तीसगढ़ में, तो ये क्या स्थिति है भैया? आप कर्जे दर कर्जे ले रहे हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अभी एक सी उपाय छोड़े कि किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। आप कर्जे में हैं 460 करोड़ रुपया आप ब्याज दे रहे हो प्रति माह उस कर्ज का, और आप इतनी बातें बात कर रहे हो, तो ये बातें भरी हैं कि होगा भी? देखिए इनको छत्तीसगढ़ से कोई, मैं छत्तीसगढ़ को बेच दें, छत्तीसगढ़ को गिरवी रख दें, लेकिन चुनाव जीतने के लिए कुछ भी ढकोसला करें। जैसे अभी 20 क्विंटल धान खरीदी का भी बोला गया, वो तो बार बार बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, और सबसे बड़ा ग्राहक तो चावल का केंद्र सरकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस बार तो चावल दे नहीं पाए वो, और बात कर रहे हैं चावल जितना डिमांड था केंद्र से वो दे नहीं पाए, इसलिए इनका हौसला बुलंद हुआ। ये राइस मिलें बढ़ी नहीं, किसान राइस मिल का उद्धार नहीं हुआ, ये क्या स्थिति है? ये किसानों के हितैषी नहीं, किसानों के दुश्मन है ये। भूपेश बघेल जी आपके यहाँ आपके रिश्तेदारी में भी है? अब वो तो पुरानी बातें हो गई, कई लोग पूछते हैं अभी भी। पुरानी बातें, पाटन के लोग सब जानते हैं, वो कका है, मैं भतीजा हूँ, कका है, सब लठगा है। अच्छा। जलगांव में है और उन्होंने क्या क्या बात किया, और अगर वो जीत के आते हैं तो गांव, विजय बघेल जी अगर वो इस फिर अगर चुन कर आते हैं, अगर पब्लिक उनको, जनता अगर चुन कर लाती है, तो यहाँ भी इस ग्राम में कुछ बड़ा कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, तो आगे आप बने रहिए, हम आपको पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे।